तू भी बजा बिना शोर शराबे दे साफ सुथरे गीत गाउण वाला। गायक उस्ताद लालचंद जमला जट जी। मैं तुहाडा नवी मान सिंह अज लालचंद जमला जट की बायोग्राफी लैके हाजिर हाँ। उस्ताद लालचंद जमला जट जी का जन्म 28 मार्च 1910 नूं माता हरनाम कौर दी कुखों पिता खैरा राम दे घर चक नंबर 384 जिला लायलपुर पाकिस्तान विखे होया। पीर कटोरे शाह दी समाध ते हर साल 15 हाड़ नूं मेला भरदा सी। उत्थे दूरों दूरों रागी ढाडी गाउण वाले आउंदे सन। गाउण वालिआं नूं देख के जमला जट जी नूं गाउण दी चेटक लगी। उस समें जट दी उम्र 7-8 साल दी सी। पहली बार जमला जट जी ने 9 साल की उम्र विच उस मेले विच गाया सी। 1919 लालचंद जी दे पिता का देहांत हो गया। उन्हां दे माता नूं अपना पिंड छड़ना पै गया। उन्हां दे माता अपने बच्चों नूं लैके अपने पेके पिंड चले गए। उन्हां दिनां विच लालचंद जी ने खुशीद बेगम का गाना सुन लिया। गाना दिल नूं टुम्मिया, अखियां करमां सड़ियां जिहड़ियां नाल सजणां दे लड़ियां। गाना गाउंदा गाउंदा गली विचों लंघदा एक दिन बेगम ने सुन लिया ते कहा, सुन बे शोकरिया, जे मेरी गली आउणा है ते बेसुरा गीत ना गाया कर। लालचंद दे सीने बोली वज्जी। अपने नाने कोल बैठा घंटियां बद्धी रियाज करदा रहिंदा। नाने कोलों दतारा ते ढोलक सिखी, पंडित दयाल कोलों सरंगी सिखी ते फत्ते दीन वाला पिंड दे चौधरी मदीन नूं अपना गुरु धार लिया, उन्हां तों गाउणा सिख्या। 1930 लालचंद जी का विआह हो गया राम रखी जी दे नाल। घर 2 बेटियां 5 बेटियां ने जन्म लिया। 1947 भारत पाकिस्तान की वंड हो गई। समुचे परिवार समेत यमला जी भारत आ गए। कुछ दिन जलंधर गुजारे, फिर लुधियाने आन डेरा लाया जवाहर कैंप विच। ये कैंप उधरों आए शरणार्थियों लई सी, फिर जवाहर नगर वजों आबाद होया नगर। देश की वंड कारण जिंदगी उथल पुथल हो रही सी ते बहुत ज़्यादा मुसीबत आईया, किसी कोई काम नहीं सी मिल रहा। एक दिन लालचंद जी स्टेजी कवि राम नारायण के घर गए, हाथ जोड़ के बेनती की, जनाब उधरों उजड़ के आए हाँ, किते कोई कम ही दबा दिओ, मेरी अते मेरे परिवार की रोटी का सवाल है। उन्होंने जमला जी ते तरस आ गया, अपने बाग विच माली का कम दे दिता। जिंदगी चंगी तरह गुजरन लग गई। एक दिन सरंगी बजा के झुग्गी विच बैठा बैठा गाउण लग गया। दर्दी दे सपुत्र ने सुन लिया ते कहा, पापा देखो अपना माली किन्ना सोहना गाउंदा है, नाले कोई साज भी बजा रहा है। दर्दी सुन के दंग रह गया। दूसरे दिन महाराजा रणजीत सिंह की बरसी सी, लालचंद जी नूं अपने नाल लै गया। उत्थे लालचंद जी ने एक गीत गाया। दर्दी ने धार्मिक गीत चेते करवाया, क्योंकि कूरा अनपढ़ होण करके आप लिख नहीं सी सकदा। गीत कोमल जाना शहनशाह दियां हथ बेदर्दां दे आईयां पटियाले माता साहिब कौर गुरद्वारे कवि दरबार विच गाया। संगतां विच लालचंद जी की आवाज़ का जादू फैल गया। बाबा बुद्ध सिंह कवि दरबार के इंचार्ज सन, उन्होंने 35 रुपए दे दिते। लालचंद एड्डी वड्डी रकम पा के बागो बाग हो गया। इन्हां ही दिनां विच प्रसिद्ध शायर सुंदरदास आसी नाल मेल हो गया। उन्होंने कवि गुरु धार लिया, उन्हां कोलों सिखण जाण लग गया। पूरा अनपढ़ सी लालचंद जी दे नाल उन्हां कोले सिखण होर भी शागिर्द आउंदे सन। वह आसी वल्लों बोले गए बोल कापियां उपर लिख लेंदे सन। लालचंद अनपढ़ होण करके लिख नहीं सी सकदा, इधर उधर देखदा रहिंदा। भोला भला चेहरा देखते हुए आसी जी ने कहा, यार तू तां जमला है। उस दिन तो नाम दे नाल जमला जुड़ गया। फिर जमला जी ने आकाशवाणी तो गाउणा शुरू किया। प्रसिद्धि देश भर में फैल गई। HMB कंपनी से तूंबी बजा गाउण वाला पहला गायक लालचंद जमला जट सी। 1952 पहली रिकॉर्डिंग करवाई। ये सारे गाने सुपरहिट होए। जिमें जिमें कंपनी गीत रिकॉर्ड करती रही तो दिनों दिन लोगों की जुबान से चढ़ते रहे। उन्होंने प्रसिद्ध कुछ गीतों की गल करते हाँ। तेरे नी करारा मैनू पटिया, सतगुर नानक तेरी लीला न्यारी ए, मैं तेरी तू मेरा छड़ना जामी वे, जवानी मेरी रंगली फुला महक नू संभाल। उन्होंने गीत साफ सुथरे सन ते लालचंद जमला जट अपने लिखे गीत आप ही गाउंदे सन। अनपढ़ होण कारण गीतों नू पहलां शागिर्द तों लिखवा लैंदे ते मूंह जवानी याद करते ते गाउंदे। तूंबी की खोज लालचंद जमला जट जी ने करी। उन्हां दा कहना सी होर साज भारे ते वड्डे होण कारण चक्कणे औखे हुंदे सन। पहलां आवाजाई दे साधन बहुत घट हुंदे सन, प्रोग्राम ते तुर के ही जाणा पैंदा सी। भारे साज चक्के जाण नाल
ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੁਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਗਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭਗਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਦੋ ਤਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ, ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ। 1956 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ 1999 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ। 20 ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਮੋਹਨ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ।